प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे सशक्त, निपुण और दो बहादुर मुस्लिम महिलाओं को, जहां पे आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से होंगी आरजू काजमी और भारत की तरफ से होंगी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया राय खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। या जब भी कोई लीडर आता है, कोई मुसलमान लीडर, तो वो फीमेल एजुकेशन की बात नहीं करता, फीमेल एम्पावरमेंट की बात नहीं करते, हिजाब के पीछे पड़े रहते हैं आज के जमाने में। उसके बाद इसी तरह की बातें, शरिया की बात की जाती है, तो ये थोड़ा सा अपने आप को अपडेट क्यों नहीं कर रहे हैं? बड़ा लीडर दिखाई भी नहीं देता। वैसे मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताती हूँ कि मैं टाइम्स टाउन ऑफ भारत में थी और स्टूडियो में थी और वहां पर साजिद रशीदी हम दोनों के फेवरेट वहां पर थे और हिजाब पर ही टॉपिक था। और मैं अभी एक महीने की बात बता रही हूँ, उन्होंने कहा अरे हिजाब तो हमारा इस्लाम है। कब है भैया? सूरह अन-नूर में भी जिलबाब है, हिजाब नहीं है। फिर उन्होंने कह दिया कि स्कूल के ड्रेसेस देखिए, इतने टाइट टाइट शर्ट और छोटे छोटे स्कर्ट होते हैं। मैंने कहा लाहौल बिलाखोबा तस्तगफिरुल्लाह कि आप छोटी छोटी बच्चियों का टाइट टाइट शर्ट और छोटा छोटा स्कर्ट आप आंखें निकाल निकाल करके बटन की तरह देखते हैं। मतलब आपके ऊपर तो लानत बरसनी चाहिए, क्या बच्चियों का टाइट शर्ट देख रहे हैं? तो आप सोचिए कि ऐसे ऐसे जाहिल टाइप के, जो सही से अरबी पढ़ना नहीं जानते हैं, जो सही से अरबी समझना नहीं चाहते हैं जानते हैं, जो शरिया को पढ़ करके अल कुरान का की मान्यता दे रहे हैं, जो सुन्नत रसूल को ना मान करके मुगल के चीजों को फॉलो कर रहे हैं, उनसे हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं? उनसे हम क्या उम्मीदें रख सकते हैं? जब हम जैसी लड़कियां आकर के वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, जब हम जैसी लड़कियां आकर के वुमेन एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, जब हम जैसी लड़कियां आकर के बताते हैं कि जो जो वुमेन को एम्पावरमेंट अल कुरान में बीबी खतीजा, बीबी आयशा, बीबी मरियम, ये इन सारे लोगों का लिखा हुआ है, अगर हम उसको फॉलो करें तो इसमें आपत्ति कहाँ पर है? इसमें तो आपत्ति कहीं पर नहीं है। ये तो जरूरी नहीं है कि कुरान में सिर्फ हमको प्रॉफिट मोहम्मद को फॉलो करना है। हम क्यों नहीं बीबी खतीजा को फॉलो कर सकते हैं? हम क्यों नहीं बीबी सफिया को फॉलो कर सकते हैं? तो इसमें भी उनको आपत्ति है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जितने भी मुसलमान अपने आप को लीडर समझते हैं या लीडर बोलते हैं, बेसिकली वो सिर्फ अपने अपने चेयर को चमकाते हैं, बेसिकली वो सिर्फ अपना बाजार गर्म करते हैं। और इतनी लैविश लाइफ है कि मैं आपको उसको उसका थोड़ा सा मतलब जो डेटा है वो देना चाहूंगी, जरूर देना चाहूंगी। देखिए, असदुद्दीन अवैसी को मुसलमानों का नेता कहा जाता है। असदुद्दीन अवैसी कहते हैं कि मुसलमान बहुत गरीब है, मुसलमानों के पास कुछ नहीं है। मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी, मैं इसको मानती हूँ कि वाकई में मुसलमान पसमानदा है और मुसलमान आज भी गटर और नाले पे भारत में लकड़ी का पटरा लगा करके सो रहे हैं। मुसलमान शिक्षा में आज भी दलित से भी, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से दलित से भी पीछे है। पर इसकी इसका रीजन कौन है, इसकी वजह कौन है? असदुद्दीन अवैसी के पास रेंज रोवर, असदुद्दीन अवैसी के पास मर्सिडीज, असदुद्दीन अवैसी के पास 36,250 स्क्वायर फीट का बंगला। असदुद्दीन अवैसी खुद इलेक्शन कमीशन को बोलते हैं कि 8,25,00,000 की लाख का एसेट है उनके पास, उनकी बीवी के पास 2,75,00,000 का एसेट है और ये ऑन रिकॉर्ड है। अब ऑफ रिकॉर्ड पर जब आते हैं तो पता चलता है कि इतनी संपत्ति है कि हम लोग हम और काउंट भी नहीं कर सकते। अब इमाम बुखारी पर आते हैं, जिनको शाही इमाम कहा जाता है, उनकी चार चार ऐसी रेस्टोरेंट है। आरजू जी, आप कभी आइएगा अगर भारत, तो मैं आपको उनके रेस्टोरेंट लेकर के जाऊंगी और आप कहिएगा कि भाई क्या इन्होंने ही सारे मुसलमानों का पैसा नोच लिया, जो मुसलमान बेचारे इस हाल में चले गए हैं। अब हम जैसे लोग या मोदी जी जब पसमानदा मुसलमानों को फ्रंट में लाने की बात करते हैं तो ये डर जाते हैं कि पसमानदा मुसलमान अगर शिक्षित हो जाएंगे तो इनके मिचल और मीटिंग में नाराबाजी कौन करेगा, इनके लिए बलात्कार कौन करेगा, इनके लिए गला कौन रेतेगा, इनके लिए झंडा कौन उठाएगा? तो ये डर जाते हैं और इसीलिए मुसलमानों को पकड़ करके मुट्ठी में बंद करके रखना चाहते हैं। देखिए, हमारा इस्लाम एक कमरे में गुफा की तरह नहीं है, हमारा इस्लाम बहुत मॉडर्न है। लेकिन अगर इस्लाम को सही से पढ़ा जाए और अल कुरान को सही से फॉलो किया जाए तो इस्लाम बहुत मॉडर्न है और रिफॉर्मेशन तो हमेशा आया है हमारे इस्लाम में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन
एक सही मुसलमान नेता या नेत्री भारत की सरजमीन पर कदम रखती है, उस दिन पसमांदा मुसलमान अब फ्रंट में आकर के बिल्कुल उसका सपोर्ट करेंगे और पसमांदा मुसलमान मोदी जी के साथ बिल्कुल रेडी है शिक्षित होने के लिए, डेवलप करने के लिए, सक्सेस होने के लिए और आगे आने के लिए। बिल्कुल होना भी ऐसा ही चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें लास्ट में वही जो आपका आर्टिकल था उसके ऊपर, क्योंकि मुझे तो बात ठीक लगी है कि बिल्कुल जब तक एक सही एजुकेशन हासिल ना कर लें उस वक्त तक कहा गया कि निकाह ना करवाया जाए या शादी ना की जाए, आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? देखिए मैंने काफी रिप्रेजेंटेशन जो है वो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में श्रीमती ममता बनर्जी जो यहाँ की मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, मैंने उनको भेजा था। एजुकेशन मिनिस्टर जो वेस्ट बंगाल के हैं मैंने उनको भी भेजा था। मतलब कंटिन्यू मुझे लगता है 12 से 13 रिप्रेजेंटेशन, पिटिशन, ग्रीवांस लेटर, उसके बाद फिर रिमाइंडर मैंने उनको भेजा था, पर उन्होंने उनके कान में जू तक नहीं रहेगा। उसके बाद मुझे मतलब कैलकाटा हाई कोर्ट को मुझे अर्जी लगानी पड़ी, तो मैंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैलकाटा हाई कोर्ट को लगाया जिसका WPAP 121 ऑफ 2024 है, नाजिया अली खान वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स। तो उसमें मेरा प्रेयर सिर्फ इतना था कि इस्लामिक रिचुअल्स की वजह से और इस्लामिक लॉ की वजह से हजारों लाखों वेस्ट बंगाल में मुसलमान बेटियां ऐसी हैं जो एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज का शिकार बन रही है। अब 11 साल और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 10 साल में भी पीरियड्स हो जाता है बच्चियों को। अब अगर 10 साल में आप निकाह कर रहे हो, 11 साल में आप निकाह कर रहे हो, तो उसका जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो कहाँ चला जा रहा है? वो तो खत्म हो जा रहा है। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट के माध्यम से अगर मैं बात करती हूँ तो ये तो हमारा संवैधानिक राइट है कि हमें पढ़ने देना चाहिए, हमें आगे बढ़ने देना चाहिए, पर वहां पर हमें हमारे पैर में बेड़ियां कौन लगाता है? इस्लामिक लॉ, शरिया लॉ, इस्लाम का कानून कि भाई तुमको पीरियड्स हो गया, तुम्हारा निकाह जायज हो चुका है, तुम्हारा निकाह हो जाना चाहिए। और असदुद्दीन अवैसी से लेकर के ममता बनर्जी से लेकर के जितने भी मुसलमान के ठेकेदार भारत में बैठे हुए हैं वो रोज छाती पीटते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, और इसकी वजह से संवैधानिक तरीके से मुसलमान बेटियों को भी जो राइट टू एजुकेशन एक्ट का जो लीगल राइट मिला है वो हमारा खत्म होता हुआ चला जा रहा है। तो मैंने ये प्रेयर डाला कि एटलीस्ट क्लास 12 करने दीजिए बच्चों को, और उसके बाद वो 12 के डिग्री देख करके कोई भी मुल्ला मौलवी अगर निकाह पढ़ाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। अब इसमें दो बातें आती है, अगर लड़की क्लास 12 पढ़ती है तो कम से कम वो 17 साल की हो जाती है, कम से कम, अगर थोड़ा लेट से भी पढ़ी है, एक साल आगे पीछे भी करके पढ़ी है तो भी 17 साल की उम्र में उसका क्लास 12 कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट और एक्सीडेंट होते ही है, मेरे साथ ही हुआ, बहुत बड़ा हुआ कि मैं 17 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ था मेरा, नहीं 17 साल कंप्लीट हो चुका था तब मैं विडो हुई थी और मैं प्रेग्नेंट थी, तो 17.5 साल की उम्र में मैं विडो हो चुकी थी। तो मेरे साथ जब इंसिडेंट हुआ, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया तो मुझे एक लक्ष्य समझ में आया, एक फोकस और विजन समझ में आया, और मैं आज तक अकेले अपने बेटे के साथ आराम से हूँ, मैं अपनी जिंदगी अपना संसार खुद चला रही हूँ। तो बच्चियां जब क्लास 12 पढ़ती हैं और उनके साथ अगर कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है तो वो अपने आप को खुद से खड़ा कर देंगी, उनको हलाला का शिकार नहीं बनना पड़ेगा, उनको पॉलीगेमी का शिकार नहीं बनना पड़ेगा, या उनको बाप की छाती पर बैठ करके मुंह नहीं दलना पड़ेगा। लेकिन चाइल्ड मैरिज तो हर रिलीजन में पहले हुआ करती थी, सभी ने रोका है चाइल्ड मैरिज और भी कई रिलीजन में मैंने देखा है कि दिखाया जाता है, गलत है, हर जगह गलत है। एवरीवन नोज आई एम अ वेरी ब्लंट स्पीकर, तो मैं आपको क्लियर बता दे रही हूँ कि चाइल्ड मैरिज जो था वो हिंदुओं में था, लेकिन उन्होंने उस पर कानून बना दिया कि आप कोई करेगा तो 7 साल के लिए जेल चले जाओगे, सीधा पर मंडप से उठा करके तुमको जेल भेजा जाएगा। तो अभी भी अगर मुसलमान 9 साल की बच्ची को लड़की समझ रहा है, वो भी गदराई हुई लड़की समझ रहा है, तो ये आपकी अश्लीलता की हद हो चुकी है। हालांकि कैलकटा हाईकोर्ट ने साफ लफ्जों में अपने जजमेंट में लिखा है कि ये कानून बनाना मेरा काम नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, स्टेट गवर्नमेंट अगर इस पर कोई एक्शन लेता है तो डेफिनेटली हम इसमें इंटरफेयर करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई इनिशिएट नहीं लेता है तो हम इस पर कानून कैसे बना सकते हैं। ये बिल्कुल सही है, अकॉर्डिंग टू लॉ उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। मेरा सबमिशन भी बहुत अच्छा था, मेरा प्रेयर भी बहुत अच्छा था। अब ऐसी बात है कि श्रीमती ममता बनर्जी का एक नेचर है कि वो मुसलमान लड़कियों के बिल्कुल विरोध में, बिल्कुल मतलब एकदम क्लियरली विरोध में, यहां तक कि उन्होंने ईद की नमाज में भी UCC की विरोधिता की।
तो वो सिर्फ मुस्लिम लड़की नहीं, किसी भी धर्म से आने वाली लड़की जो होती है, लफ्ज फीमेल या गर्ल या बेबी गर्ल, तो वहां पर श्रीमती ममता बनर्जी की विरोधिता साफ साफ तरीके से समझ में आती है। तो अब मुझे ये मैटर उठा करके सर्वोच्च न्यायपालिका में लेकर जाना पड़ेगा, जैसे मैं तीन तलाक को लेकर के गई थी, वहां से मुझे एक हिस्टोरिकल जजमेंट निकालना पड़ेगा और तब फिर ये मैटर पार्लियामेंट में जाएगा और नए पार्लियामेंट जो बैठेंगे मोदी जी उसमें फिर एक नया कानून बनेगा। और मुझे पता है कि जितनी भी बच्चियों की दुआएं मेरे साथ है और जो बच्चियां मुझे इतना कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है, हालांकि मैटर डिसमिस हो गया है, फिर भी कॉन्ग्रेचुलेशन का मतलब मुझे पूरा एक वो मिल रहा है, ट्राई किया बिल्कुल। तो मेरा बहुत नॉर्मल था कि एटलीस्ट पढ़ने दो, क्लास 12 तक पढ़ने दो, वो वोकल हो जाएंगी, वो अपने अपने जस्टिस के लिए लड़ पाएंगी, वो अपने फैसले खुद कर पाएंगी कि उन्होंने जिंदगी में क्या करना है। होता क्या है ना अर्शु जी की, जब हम क्लास 10 होते हैं तो आगे पढ़ने बीच में अगर 5 साल का गैप आ जाता है तो आगे पढ़ना बहुत टफ हो जाता है, लेकिन क्लास 12 की डिग्री अगर होती है और अगर बीच में 5 साल का गैप भी आ जाता है और 5 साल के बाद भी अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहो, LLB करना चाहो, MBBS करना चाहो, तो आप कर सकते हो, क्योंकि क्लास 12 आपके दरवाजे को, एडुकेशन के दरवाजे को खोल कर रखता है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने कहा कि क्लास 12 करने दिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए ताकि बच्चियां जो हैं वो अपना फैसला खुद कर सकें, उन्हें सही गलत का पता हो। बहुत शुक्रिया नाजिया कि आज आपने ज्वाइन किया और आई होप कि हम आगे भी अपडेट्स आपसे इलेक्शंस की लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वंदे मातरम। भारत माता की जय। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काजमी जी और नाजिया लाइकान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे दोनों बहादुर लड़कियों ने बात की हलाला और बाल विवाह जैसे कुप्रथाओं के बारे में, और जैसे कि नाजिया लाइकान जी ने अपने बारे में बताया कि छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई थी और 17 साल की उम्र में वो विधवा हो गई थी और आज भी वो एक सिंगल मदर है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।